दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी इन अप्रैल 2021 के बारे में। इन सारे जॉब्स की इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, सैलरी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको जॉब अपडेट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली वैकेंसी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, पोस्ट है लोअर डिवीजनल क्लर्क की, स्टार्टिंग डेट है 19 मार्च और क्लोजिंग डेट है इसकी 16 अप्रैल। एप्लीकेशन मोड जो रहेगा इसका ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो, जनरल बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए फीस है 600, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 और बिहार डोमेस्टिक फीमेल के लिए जो फीस रखी गई है वो 150। एज लिमिट आप देख सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स, मेल के लिए 37 ईयर्स या मैक्सिमम एज है, और फीमेल कैटेगरी बैकवर्ड क्लास या फिर EBC कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर्स, SC ST कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 42 ईयर्स। सैलरी की बात करें दोस्तों तो ये आपकी पे स्केल रहेगी ये, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्लास 12th पास चाहिए बस आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, तो आप देख सकते हो कैटेगरी और वैकेंसीज, जनरल बैकवर्ड क्लास, EWS और ऐसे टोटल जो वैकेंसीज है वो है टोटल 24। दोस्तों इस जॉब से रिलेटेड और भी कोई डिटेल जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, बेस्ट बुक्स या फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसकी कोई भी डिटेल्स चाहिए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस पर रिलेटेड हम एक नई वीडियो भी लेकर आ सकते हैं। अगली रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो यह है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट की, पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, स्टार्टिंग डेट जो है इस वैकेंसी के लिए वो है 1 अप्रैल और क्लोजिंग डेट जो है वो है 30 अप्रैल। एप्लीकेशन मोड जो रहेगा वो है ऑनलाइन। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो जो एज लिमिट है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए वो है 21 to 28 ईयर्स, और आपको एज जो कैलकुलेट करनी है वो इस डेट के लिए कैलकुलेट करनी है। रिलैक्सेशन दिए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट रूल्स, 3 साल और 5 साल की आपको पता है OBC और SC ST कैंडिडेट के लिए। एप्लीकेशन फीस जो दोस्तों सारे कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है वो है 400 रुपीज़ इस जॉब के लिए। इससे आगे दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये देख सकते हैं आप ये बेसिक पे है इसकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएट होल्डर इन एनी डिसिप्लिन, और ये इंपॉर्टेंट है कि फायर ऑफिसर 2 इस पोस्ट के लिए जो ग्रेजुएशन मांगी गई है वो साइंस डिपार्टमेंट में मांगी गई है, आप एक साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए। ये देख सकते हो फायर ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए 223 वैकेंसी है, बस इसके लिए आपको साइंस ग्रेजुएट मांगा गया है और इन दोनों पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो जो टोटल पोस्ट है वो है 9534, काफ़ी सारी वैकेंसी है। ये जॉब से भी दोस्तों रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो जैसे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस या बेस्ट बुक्स या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और इस पर हम एक डिटेल वीडियो भी लेकर आ सकते हैं अगर काफ़ी क्वारीज रही स्टूडेंट्स की। तो अगली रिक्रूटमेंट है दोस्तों ESIC यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से, UDC की पोस्ट है यानी अपर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है बट प्रोबेबली 2nd या 3rd वीक ऑफ फरवरी को ये नोटिस आ जाएगी। एप्लीकेशन मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है ये जनरल कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन दी गई है OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स की और SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो SC ST कैंडिडेट है इसके लिए एप्लीकेशन फीस है 250, PWD के लिए 250, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरीज यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 500 रुपीज़। सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। इसके अलावा आपको टाइपिंग टेस्ट भी की जाएगी हिंदी या इंग्लिश में। पोस्ट देख सकते हो दोस्तों UDC की पोस्ट है और वैकेंसी काफ़ी सारी है, 6306 वैकेंसी आने की चांसेस है, और ये जो टोटल वैकेंसीज है इसमें कुछ वैकेंसीज जो होंगे वो इंटरनल एम्प्लॉय के प्रोमोशन के थ्रू भरी जाएगी और कुछ वैकेंसीज जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी भरी जाएगी, तो काफ़ी वैकेंसीज आने के चांसेस है। इससे भी रिलेटेड दोस्तों अगर आपको एग्जाम पैटर्न, इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस या बेस्ट बुक्स या फिर इसके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगली रिक्रूटमेंट है दोस्तों SSC GD यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। इसके अंदर काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं जैसे BSF, CISF, ITBP, SSB, CRPF, AR, SSF, NIA, तो काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं इसके अंदर। तो स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है। ऑनलाइन मोड जो रहेगा इसका एप्लीकेशन का वो एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो एक्सपेक्टेड जो है वो 18 to 23 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम एज, और जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी हम एक्चुअल एज लिमिट देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी दोस्तों इसकी जनरल कैटेगरी के लिए
मेल कैटेगरी के लिए वो 100 और बाकी लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी। इसकी सैलरी की बेसिक पे की बात करें तो आप देख सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं, काफ़ी सारे अलाउंसेस रहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, एनुअल पेड लीव्स रहते हैं, सिक्योरिटी अलाउंसेस रहती है, फील्ड अलाउंस और पेंशन स्कीम्स भी रहते हैं काफ़ी सारे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सिर्फ 10th पास, मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपकी। और वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों अभी तो नोटिफिकेशन इसकी नहीं आई है, पर अप्रैल मंथ में आने की काफ़ी चांसेस है। और लास्ट जो 2018 में इसकी वैकेंसीज आई थी वो थी अराउंड 60,000 वैकेंसीज, ठीक है। और जो इसका फाइनल रिजल्ट आया अभी जनवरी 2021 में इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया, तो अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें भी इतने अराउंड पोस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इस जॉब से भी रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल्स जाननी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली रिक्रूटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह है यूपीएससी की तरफ से IAS यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो इसकी स्टार्टिंग डेट है अप्रैल 7th और क्लोजिंग डेट है अप्रैल 27th। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन भी रहेगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो जो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है इनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 200। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप या मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कोई भी फीस नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप बेसिक पे और ग्रेड पे यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होगी। वैकेंसी जो है टोटल अराउंड 495 वैकेंसीज है, और इससे भी कोई भी रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नए जॉब अपडेट के साथ अगले वीडियो में।